So today we are going to study about the squares and parameters, boundaries, area, all of that I'm going to teach you today. Okay, so here, as you can see, measure the side of the red square on the dotted sheet. Draw here as many as rectangle as possible using 12 such squares. So यहाँ पे हमें क्या करना है? देखिए, ये जो एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, ठीक है, दिस वन पूरा ट्राइंगल जो है, इसके अंदर आपको ये छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं. तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला स्क्वायर बना हुआ है ना, हमें क्या करना है, सिमिलरली इसी तरह से क्या करना है, हमें 12 सच स्क्वायर्स लेकर एक रेक्टेंगल बनाना है, या एक से ज्यादा भी बन सकते हैं इसके अंदर, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें कितने मिलते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं. हमें इन्हीं स्क्वायर को लेते हुए चलना है और इसी से हमें कौन सा शेप बनाना है, रेक्टेंगल. सो यहाँ पे जो ये वाला बना हुआ है ना, ये एक ऑलरेडी स्क्वायर बना है. अब हम चाहें तो एक स्क्वायर इस तरह यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है स्क्वायर, बट इट्स एन स्क्वायर. ओके, सो हियर तो एक ये ट्राइंगल बन चुका है अब. ठीक है, इसी तरह अगर हम 12 स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इसी के साथ में कंजॉइन करते हुए हम नीचे भी 6 स्क्वायर्स बनाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे कितना बोला गया था, 12 सच स्क्वायर्स हमें यूज करने हैं. ओके, सो नाउ वी आर एडिंग 6 मोर स्क्वायर्स बिलो द प्रीवियस स्क्वायर्स. ओके, सो हियर आर द फोर्थ वन, फिफ्थ एंड सिक्स. ओके, सो इन द फर्स्ट रो वी आर हैविंग 6 स्क्वायर्स एंड इन द सेकेंड रो वी आर ऑल्सो हैविंग 6 स्क्वायर. सो टोटल स्क्वायर्स कितने हो गए, 12 स्क्वायर हो गए. तो हमें बोला भी यही था कि हमें 12 स्क्वायर लेकर ही एक रेक्टेंगल बनाना है, सॉरी एक नहीं, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं. तो ये जो चीज बनी है, मैं आपको कलर चेंज करके बताती हूँ, ये देखिए. तो इतना जो ये चीज बन गया है ना, ये क्या है, एक रेक्टेंगल बना है. ओके, सिमिलरली अब हम चाहें तो इसी के साथ में अटैच करते हुए और भी रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, बट मैं करूंगी यहां से स्टार्ट. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4. अब मेरी मर्जी है, मैं किस तरह से भी कैसे भी रेक्टेंगल बना सकती हूँ. इसी तरह आप भी अपने हिसाब से जिस तरह से बनाना चाहे बना सकते हैं. और मैं एक नीचे वाली रो में भी लूंगी इस तरह से. तो ये हमने दूसरा रेक्टेंगल बना दिया है. सिमिलरली बहुत सारे रेक्टेंगल्स इसमें बन सकते हैं, तो आप देखिए आपको कितने सारे मिलते हैं, आप इसी तरह से उन्हें बना सकते हैं. ओके, देन हियर ईच रेक्टेंगल इज अ मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर. सो ऑल ऑफ हैव द सेम एरिया, बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट. सो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे ये 12 सच पीसेस लिए स्क्वायर के, ठीक है, और उससे हमने क्या बनाया है यहाँ पर, रेक्टेंगल. बट क्या आपको ये दोनों रेक्टेंगल एकदम सेम दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं. वो इसलिए क्योंकि हमने इनकी लेंथ जो है, बाउंड्री, बाउंड्री क्या रहती है, जो ये बाहर की साइड का होता है ना, एक सेकेंड, दिस वन, ये देखो, ये जो बाहर की ये बाउंड्री चल रही है ना हमारी, ये होती है बाउंड्री. ठीक है, तो अगर इसकी बाउंड्री जो है हमने डिफरेंट डिफरेंट ली है दोनों में, वहां पे हमने 6 स्क्वायर्स ले लिए थे तो वो थोड़ा बड़ा रेक्टेंगल बन गया, और यहाँ पे हमने सेकंड वाले में 4 रेक्टेंगल स्क्वायर्स लिए हैं जो कि एक छोटा रेक्टेंगल बनाया. ठीक है, तो इस वाली जगह पे क्या बोला गया है कि ईच रेक्टेंगल जो है वो बना किससे है, 12 इक्वल स्क्वायर से, और सेम ही एरिया पे हमने बनाए हैं उसी रेक्टेंगल के अंदर, बट जो लेंथ होगी बाउंड्री की, इट कैन बी डिफरेंट. ओके, सो यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बताती हूँ कि ये देखो, ये क्या है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर. सो जो बाउंड्री हमने पढ़ी, बाउंड्री यहाँ पे क्या कौन सी है, किसी भी चीज की बाउंड्री हो सकती है, जैसे ये चीज है ना, तो ये क्या है, इस रेक्टेंगल की बाउंड्री हो गई. ओके,
तो बाउंड्री मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि बाउंड्री की जो भी लेंथ है उसे हम उसका पेरीमीटर बोलते हैं. सो पेरीमीटर इज अ न्यू वर्ड, प्लीज लर्न दिस वर्ड सो वी कैन कंटिन्यू फर्दर. ओके, सो लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर. बाउंड्री की जो लेंथ होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव मेजर स्टैम्प्स. स्टैम्प्स क्या होते हैं, आपने देखे हैं स्टैम्प्स कैसे होते हैं. हमारे इंडिया में बहुत टाइप के स्टैम्प्स मिलते हैं, हर जगह अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैम्प्स हमें देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टैम्प्स बनाए हुए हैं. अच्छा, स्टैम्प्स होते क्या हैं, जैसे आप कभी पोस्ट कार्ड वगैरह पोस्ट करते हो या फिर कोई लेटर भी पोस्ट करते हो तो आप देखोगे कि उसके ऊपर एक बहुत ही प्रिटी सा स्टैम्प लगा होता है. अब स्टैम्प जो होते हैं वो बहुत सारे कलर्स में डिजाइंस में आते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ है. हो सकता है हम जैसे मैं यहाँ इंदौर में रह रही हूँ तो मेरा यहाँ का स्टैम्प अलग होगा, आप कहीं और रह रहे हैं तो आपका स्टैम्प भी अलग हो सकता है. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैम्प्स वी कैन सी. सो नाउ लुक एट दीज इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, अलग अलग स्टैम्प्स दिखाई दे रहे हैं. जैसे कि ये एक स्टैम्प हो गया, and this one is also a stamp, this, this, this and this one. Okay, so chaliye read karte hain. Look at these interesting stamps. Okay, now how many squares of 1 centimeter side does stamp A cover? So centimeter se yahan pe kya matlab ho gaya ki ye jo ek square hai, this one, theek hai, सपोज करिए हम ये वाला स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये जो स्क्वायर है ये टोटल कितने का है, 1 सेंटीमीटर साइड. ठीक है, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, दिस वन ऑल्सो इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस एंड सो ऑन. ओके, तो हर एक जो इसमें स्क्वायर बनाया हुआ है दैट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ पे पूछा क्या है उनने कि जो स्टैम्प ए का कवर है. अब यहाँ पे स्टैम्प ए आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा. ठीक है, तो दिस वन इज स्टैम्प ए. तो यहाँ उनने क्या बोला, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर. तो इसने कितने स्क्वायर्स को कवर कर लिया है 1 सेंटीमीटर के. तो अब आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे लाइनें ये इस तरह से बनी हुई हैं, है ना. तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सिमिलरली नीचे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब एक लाइन नीचे और भी है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो अब हम इन्हें टोटल काउंट कर लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर. सो आंसर इज 18 स्टैम्प्स. ठीक है, ओके, और स्क्वायर्स. नाउ हमने इतने इजीली कैसे पहचान लिया, क्योंकि देखो एक सिंपल सा तरीका है, आपको उसके साइड में ये तीनों दिख रहे हैं, तो जब हमें पता है कि ये सारा एक ही 1 सेंटीमीटर के हैं, एक ही डिस्टेंस पे हैं, तो हम इसी लाइन को एज अ नेविगेशन लेते हुए चलेंगे. तो ये देखिए तीन लाइनें यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं. ठीक है, तो इसी तरह हमने सारे स्क्वायर्स को काउंट किया, तो कितने टोटल स्क्वायर्स हो गए, 18 स्क्वायर्स. गॉट इट. एंड लास्ट क्वेश्चन इज एंड स्टैम्प बी. तो स्टैम्प बी में क्या है, अब स्टैम्प बी कौन सा वाला है, दिस वन. ठीक है, तो अब सिमिलरली उसी तरीके से करा जाएगा इसको. सो हियर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. सो स्टैम्प बी हैज 8 स्क्वायर्स. ओके, बहुत सिंपल है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर. सो अब ये जो हमने पढ़ा है ना अभी स्टैम्प वाला, तो ये उसी के क्वेश्चंस है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेम सिमिलर ही दिख रहा है जैसा हमने पहले देखा, वही स्टैम्प है. तो यहाँ पे उन्हें क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन इज दिस, विच स्टैम्प हैज द बिगेस्ट एरिया. तो
बिगेस्ट एरिया कैसे निकाला जाएगा, जैसे हमने इस वाले ए का जो निकाला था वो कितना था, जल्दी बताइए कितना था, यहाँ पर हमने कितना लिखा हुआ है 18, ठीक है, तो उसका जो एरिया था वो था 18 स्क्वायर्स. देन सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी, नो सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें उसने पूछा है कि किसका स्टैम्प का एरिया जो है वो बिगेस्ट है. तो फर्स्ट वाले का क्या था, 18 यहाँ पर है ना, तो 18 है जो इसका है. देन बी वाले का कितना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो हम साथ के साथ यहाँ पे लिखते भी जाते हैं. तो फर्स्ट वाले का था ए का 18 एंड दिस वन इज 4, 5, 6, 7, 8, सो बी वाले स्टैम्प का एरिया है 8. ओके, देन सी वाले का सिमिलरली काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6th वन सी. And the D is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So D is 12. And E 1, 2, 3, 4. And this one is last one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. तो हमें सारे स्टैम्प्स के एरिया मिल चुके हैं, 18, 6, 8, 12, 4 एंड 12. तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच स्टैम्प हैज द बिगेस्ट एरिया. तो अब आप इसको इजीली देख के बता सकते हैं इनमें से सबसे बड़ा एरिया किसका है, ए वाले का. कितना था इसका, 18. सो आंसर इज ए. ओके, नाउ यहां पर क्या लिखा हुआ है, दिस वन स्टैम्प डी कवर्स 12 स्क्वायर. Okay, and each square is of side 1 centimeter, so the area of stamp D is 12 centimeters. तो ये मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में भी बता दिया था कि हमने इसको किस तरह से काउंट किया है. Now coming to the next question is how many squares of side 1 centimeter does this stamp cover? So यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा कि कितने स्क्वायर ऑफ साइड 1 centimeters हैं इस पूरे स्टैम्प के अंदर. तो हम इसको क्या करेंगे, जितने भी स्टैम्प्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, तो टोटल जितना भी अमाउंट आएगा, नंबर आएगा, वो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा. सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट. नाउ कमिंग ऑन द थर्ड क्वेश्चन, सी मैंने आपको बहुत इजीली सब कुछ समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा. तो अब जो ये क्वेश्चंस बच रहे हैं ना, ये मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन करना आपको खुद है, ठीक है. सो थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प. सो यहाँ पे मैंने डैश दिया हुआ है, बिगेस्ट स्टैम्प कौन सा हमने अभी फाइंड आउट किया था, ए. तो ए का जो एरिया है वो कितना होगा, यहाँ पर देखिए आप, मैं नहीं बताने वाली हूँ, तो यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है इसका आंसर यहाँ आ जाएगा, ठीक है. ऑन द फोर्थ क्वेश्चन वी हैव विच टू स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया. तो यू कैन इजीली फाइंड आउट नाउ कौन से वाले हैं जिनका सेम एरिया है. थोड़ी सी मैं आपको हिंट दूं, आप मेरी पेन की मार्किंग को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. आया, चलिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टैम्प्स, ठीक है. अब हमें इसमें क्या करना है कि हमने जितने भी स्टैम्प्स के एरिया फाइंड आउट किए हैं हमें वो लिखने हैं, ठीक है. तो एक एक स्टैम्प के आपको लिखने हैं कि द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज, जो भी आंसर आएगा वो, एंड हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच दीज स्टैम्प्स. ईच स्टैम्प्स मतलब आपको टोटल करना है, टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर, एंड द एरिया ऑफ द स्मॉल स्टैम्प इज कमिंग हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज. नाउ दिस इज गुड क्वेश्चन. सो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, डिफरेंस, ठीक है, किसके बीच में निकालना है, एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प. सो बिगेस्ट स्टैम्प क्या है यहाँ पर, 18, ठीक है, और स्मॉलेस्ट स्टैम्प आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, मुझे तो 4 दिख रहा है, तो स्मॉलेस्ट स्टैम्प जो है वो है 4. सो सिंपल हमें यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू माइनस 4 फ्रॉम 18, ठीक है. तो 18 को जब आप 4 से माइनस कर देंगे सो जो आंसर आएगा वही इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, और जो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ आपको खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है. चलिए
Now going on the next slide, we are having this. Now this is triangle. अभी हम जो समझते आ रहे थे वो हमने सीखा था square, ठीक है? But यहाँ पर क्या है अब? आ गया है हमारा triangle. Okay? So here is the triangle. Now both the big triangles in this rectangle have the same area. So this is Samina. She is saying both the big triangles in this rectangle have the same area. So यहाँ पे क्या है? ये एक rectangle है, ठीक है? उसने क्या बोला? Rectangle के अंदर दो triangle बने हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर जो ये दोनों triangle हैं, तो ये Samina क्या बोल रही है कि इन दोनों का जो area है वो similar है, okay? So here is Sadiq. But these look very different. आपको भी दिख रहे होंगे कि एक आपको बड़ा दिख रहा है, एक आपको छोटा दिख रहा है. तो इसका क्या लॉजिक है? मैं बताती हूँ. The blue triangle is half of the big rectangle. So this blue triangle is the half of the whole rectangle. तो दिख रहा है आपको, इसने पूरा half cover कर लिया है area. तो area of the big rectangle is 20 square meter. So एरिया जो है बिग वाले रेक्टेंगल का इज 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है? सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर. अब यहाँ पर तो उसने खुद ही क्वेश्चन पूछ लिया है, तो अब हमें इसका आंसर निकालना होगा. सो यहाँ पे क्या दे रखा है उसने कि देखो, सबसे पहले तो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है? रेक्टेंगल के अंदर क्या है? दो ट्राइंगल बने हुए हैं. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल बना हुआ है ये थोड़ा सा बड़ा है रेड वाले ट्राइंगल से, ठीक है? बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो ब्लू बिग रेक्टेंगल है, तो बिग रेक्टेंगल अभी हमने कौन सा पता किया था? ब्लू वाला, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो, बिग रेक्टेंगल जो है इट इज ऑफ 20 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. तो ये कितने का है? 20 सेंटीमीटर्स का, ठीक है? अब हमें एक ट्राइंगल का एरिया पता चल गया है. सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल इज डैश स्क्वायर. तो अब हमें क्या करना है? जब हमें एक वाले ट्राइंगल का एरिया पता है विच इज 20 सेंटीमीटर, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द अनदर ट्राइंगल, ठीक है? तो ये कैसे निकाला जाएगा कि अगर ये इसका हाफ है ना, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि द ट्राइंगल है यहाँ पर, इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया. सो बेसिकली क्या हुआ कि इन दोनों ही ट्राइंगल का क्या है? एरिया 20 सेंटीमीटर. सो द ब्लू वन इज ऑल्सो 20 एंड द रेड वन इज ऑल्सो 20. सो वी हैव टू माइनस 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम दिस. वाई? बिकॉज जब इसका एरिया है 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसने कहा है कि जो एरिया है ब्लू ट्राइंगल का वो क्या है? इज द हाफ. तो अगर जब ये हाफ है तो हम 20 का हाफ कितना होता है? ऑब्वियसली 10. सो वी हैव टू माइनस 10 फ्रॉम द 20. सो द आंसर वुड बी 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है? तो अब आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जब आंसर 10 सेंटीमीटर्स आया है तो ब्लू वन इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर एंड द रेड वन इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर. तो सो दे बोथ टुगेदर फॉर्म द 20 सेंटीमीटर एरिया. गॉट इट? बहुत सिंपल है. नाउ दिस वन, इन द देयर आर टू हाफ्स ऑफ द टू डिफरेंट रेक्टेंगल्स. नाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ द टू रेक्टेंगल्स. Sadiq इज टॉकिंग अबाउट वॉट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल of the red triangle, explain. So यहाँ पे जो हमने ये किया है ना बच्चों, this is the answer of this thing, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या किया? Half करके हमने area निकाल दिया है red triangle का, which is 10 centimeters. Got it? चलिए. Now we are going on the next one, which is this. Okay? So, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? जल्दी से देख के बताइए. कंप्लीट द शेप. ओके, सो
कंप्लीट द शेप मीन्स लाइक हमें क्या करना है, अब इसके अंदर शेप को कंप्लीट करना है. दिस इज इनकम्प्लीट शेप. ओके, सो सुरुचि ड्रू टू साइड्स ऑफ अ शेप एंड शी आस्क्ड आसिफ टू कंप्लीट द शेप विद द टू मोर साइड्स सो दैट इट्स एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. सो व्हाट शी इज सेइंग हियर, सुरुचि जो थी उसने क्या किया, दो साइड्स बना दिए शेप के, ये वाला. ठीक है, तो ये एक हमें फॉर्मेट दिया हुआ है. यहाँ पर उसने क्या किया, कोई सी भी दो साइड बना दी है किसी शेप की. यहाँ पे उसने शेप जो है कंप्लीट नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट द शेप. ओके, सो यहाँ पे उसने कोई भी दो साइड बना दी है. सो एक ये वाली बना दी है और एक ये वाली बना दी है. नाउ शी आस्क्ड टू हिज फ्रेंड आसिफ, ठीक है, ही इज आसिफ, टू कंप्लीट द शेप विद टू मोर साइड सो दैट द एरिया इट्स 10 सेंटीमीटर्स. तो अब सुरुचि ने आसिफ को क्या बोला कि मैंने तो ये दो साइड तो मैंने बना दी है, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भी दो साइड्स बनानी है, बट जो इसका एरिया होगा वो कितना होना चाहिए, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो आसिफ ने बोला ठीक है भाई. तो उसने क्या किया, उसने बना दी एक ये साइड और एक ये वाली साइड. ठीक है, तो सुरुचि आस्क्ड हाउ डिड यू डू दैट, तो आसिफ ने क्या कहा, ओ दैट्स इजी, इफ यू लुक एट द ग्रीन एरिया इट इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. नाउ लुक केयरफुली, जो ये ग्रीन वाला पोर्शन दिया हुआ है ना, यहाँ पे कितने स्क्वायर सेंटीमीटर्स है, 4. कैसे, ये देखो, एक तो ये है और एक ये है, तो 1 और 2. अब आपको ये हाफ हाफ दिख रहे हैं, तो जब हमने हाफ हाफ लिया है तो उसका मतलब दो हाफ मिलकर एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे. सो दिस इज हाफ एंड दिस इज हाफ विल मेक 1. सो 1, 2 और 3 एंड दिस हाफ एंड दिस हाफ विल मेक अगेन 1. सो 1, 2, 3 और 4. सो टोटल इन ग्रीन एरिया देयर आर 4 स्क्वायर्स. ओके, नाउ बिलो इट इज द येलो एरिया ऑफ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब नीचे कितना हो गया, चलिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ तो 5 ही हो रहे हैं, बट हमें पता है हाफ एंड हाफ स्क्वायर मेक्स 1 कंप्लीट स्क्वायर. सो दिस हाफ एंड दिस हाफ विल मेक 1 स्क्वायर. सो 5 इज हियर, तो यहाँ पे एक बचा, तो टोटल कितने हो गए, 6 स्क्वायर. एंड जब 6 स्क्वायर जो है येलो वाले के हैं और ऊपर 4 कितने थे, ग्रीन के, है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, हम इसको ऐड करेंगे. सो आंसर विल बी 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, 10 सेंटीमीटर. सो जो सुरुचि ने उसको चैलेंज दिया था दैट इट शुड बी 10 सेंटीमीटर, सो आसिफ ने क्या किया, इस तरह से बना के उसको 10 सेंटीमीटर एरिया के लिए कंप्लीट कर दिया. ओके, सो बहुत सिंपल है. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. दिस नाउ आई हैव गिवन यू सम गुड थिंग विच इज प्रैक्टिस टाइम. सो हमने जो अभी किया था सेम हमें उसी टाइप से करना है इसको भी. ओके, सो यहाँ पर देखो आप, दिस इज वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ शेप. कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो अब आप ध्यान से देखना, जो हमने इस वाली स्लाइड में किया था, सुरुचि ने आसिफ को बोला था करने के लिए, और जो आसिफ ने किया था, तो हमें भी सेम यही करना है यहाँ पर. ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, ये देखो, दिस वन इज द फॉर्मेट. तो यहाँ पे पढ़िए, दिस इज द वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ शेप. So here is the side, one side. Complete the shape so that its area is 4 square centimeters. तो यहाँ पे आपको foundation ये नहीं दी है कि आपको particular एक ही shape बनाना है. आप अपने मन से कोई सा भी shape बना सकते हैं, but condition क्या होगी कि यहाँ पे आपको 4 square centimeter ही लेना है. तो चलिए start करते हैं. अब देखो, ये एक बना दिया है हमने, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है half और half तो आ गया है, है ना. अब हम क्या करेंगे कि ये जो बनेगा कितने का बन जाएगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर्स का. तो दिस इज हाफ एंड दिस इज हाफ. तो अब हम क्या करेंगे, लेट मी टेक दिस वन. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो कितने स्क्वायर्स हो रहे हैं, हमें 4 चाहिए, ये आपको याद रखना है. सो हियर इज 1, हाफ एंड हाफ विल मेक 1 फुल स्क्वायर. सो 2 हम मान लेते हैं इसको, ठीक है, एंड this is 3 and this is 4. समझ में आया आपको?
तो ये वाला जो था वन कंप्लीट हमारे पास था, टू जो था हमारे पास हाफ ऑफ था, तो हमने इन दोनों को मिला के टू कर लिया। देन हमने थ्री एंड फोर, तो दिस शेप इज लाइक दिस। ठीक है, तो कुछ इस तरह का शेप बन गया है। इसी तरह आप बहुत सारे स्क्वायर सेंटीमीटर्स लेकर शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगी यहाँ पर 3 square centimeters, 5 square centimeters। ठीक है, तो ये दोनों सेंटीमीटर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। आपको समझ में आ गया होगा कितनी इजीली हमने करा है। हमें सिर्फ स्क्वायर्स को काउंट करना है शेप बनाने के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो हियर इज द पजल्स विद 5 squares। ओके, सो नाउ मेजर द साइड्स। आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर। मेजर द साइड्स ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर्ड पेपर। सो द स्क्वायर्ड पेपर इज दिस गिवन बिलो। मेक एज मेनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 such squares, 3 are drawn फॉर यू। आया आपको समझ में? तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि मेजर करनी है साइड ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर्ड पेपर। यहाँ पर मेक एज मेनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 such squares। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल 5 squares लेने हैं एरिया के हिसाब से, और उससे हमें जितने भी यहाँ पर शेप्स बन रहे हैं वो हमें बना देने हैं। और यहाँ पे आपको दे रखे हैं पहले से ही बने हुए 3 shape, तो यहाँ पे आप गिन सकते हैं इसको 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 squares ही लिए हुए हैं और उससे ये एक शेप बना दिया है। यहाँ पे गिनते हैं 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, हियर ऑल्सो वी टुक 5 squares टू मेक अ शेप एंड दिस 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सब में 5 squares ही लिए हुए हैं, बट शेप जो बना है सबका डिफरेंट बना है। अब हम अगर चाहें तो हम 1, 2, 3, 4 और 5 ये स्क्वायर है, अब इसका हम इस तरह से एक शेप बना देंगे। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड मेरी थोड़ी सी ड्राइंग खराब है। सो यहाँ पे हमने एक इस तरह से शेप बना दिया है। वी ऑल्सो टुक 5 squares in each। ठीक है, सो अब क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ। सो फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ एज मच एज द शेप्स यू कैन। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से जितना भी बन सकता है इसमें आप बनाएंगे शेप्स, एंड देन यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ विच शेप हैज द लॉन्गेस्ट पैरामीटर, हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप ये सारे शेप्स को फिल कर लेंगे, जब इसमें कोई जगह नहीं बचेगी और शेप्स बनाने की, तो उसके बाद में आपको देखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट पैरामीटर किसका है। रिमेंबर पैरामीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विच इज, जैसे कि ये वाला है शेप, इस वाले शेप को देखो, तो ये जो इसकी बाउंड्री आ रही है ना, दिस इज द लेंथ। ठीक है, और इसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर। ओके, सो यहाँ पे इसकी लेंथ को कैसे मेजर किया जाएगा, तो हम इसको स्क्वायर के साथ में ही मेजर करेंगे। तो 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square। ओके, तो 5 square जो है ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर, दैट इज 5 centimeter square। ओके, सो इसी तरह आपका जो सबसे लंबा शेप बनेगा ना, आपको उसी का पेरीमीटर मेजर करना है और लिखना है कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेप हैज द शॉर्टेस्ट पैरामीटर, हाउ मच स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा वाला पूछा था, यहाँ पे आपको सबसे शॉर्ट वाला, छोटा वाला। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, आपको करने हैं। नाउ गेम टाइम। ओके, सो हियर इज अ चेस बोर्ड, प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर विथ 1 set of 12 shapes। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये एक चेस बोर्ड बनाया हुआ है। इसमें क्या होगा, द फर्स्ट प्लेयर पिक्स 1 shape फ्रॉम द सेट एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड कवरिंग एनी 5 square। ओके, तो यहाँ पे जो हम सपोज करते हैं, दिस इज प्लेयर 1 and this is player 2। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट प्लेयर है, इसने क्या किया, किसी सेट में से एक इस तरह से शेप बनाकर उसने चेस बोर्ड पे रख दिया है। ठीक है, विच इंक्लूड्स कितने,
1, 2, 3, 4 and 5 squares. Okay. So then the other player picks another shape and puts it on the board. But it must not overlap the first shape. ठीक है? So अब बारी किसकी आएगी? Second वाले player की आएगी. इसे भी same यही काम करना है. कोई भी 5 squares लेकर एक shape बनाना है. उसको रखना है. किस पे? Chess board पे. But रूल क्या है कि इट शुड नॉट ओवरलैप द फर्स्ट शेप. तो मतलब अगर ये जहां पे भी इसका जहां मन करेगा ये वहां रख सकता है, बट ये जो फर्स्ट प्लेयर था जिसका शेप ऑलरेडी बना हुआ है ये उसको ओवरलैप नहीं कर सकता. मतलब एक भी स्क्वायर के ऊपर प्लेयर टू का स्क्वायर नहीं आना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, कीप टेकिंग टर्न्स अनटिल वन ऑफ यू कांट गो एनी फर्दर. सो यही चीज चलती जाएगी. जब इसने अपना स्क्वायर रख दिया तो देन ये फिर प्लेयर वन अपना स्क्वायर रखेगा, देन फिर ये रखेगी, देन फिर ये रखेगा. सो इट फर्दर गोज ऑन. कब तक? जब तक कोई भी एक प्लेयर के पास चांस नहीं बचती है कि वो एक और शेप को रख पाए. ठीक है. सो जो लास्ट में बचेगा, जिसका शेप नहीं हो पाएगा, वो क्या करेगा? हार जाएगा. ठीक है. तो जिसने भी सबसे लास्ट वाला करेक्ट पीस रखा होगा, इट विल बी विनिंग. ओके. Now next, make your own tile. Now in this slide, we are going to make tiles. Have you seen tiles before? Obviously you could. आपको आपके वॉशरूम वगैरह में भी दिखती होगी, आपके घरों में, even floors we have of the tiles. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो कि आपको एक अच्छा सा beautiful सा pattern दिखाई दे रहा है tiles का, this one. So now let's read. Ziri went to a shop and was surprised to see the different designs of the tiles on the floor. Aren't these beautiful? So Ziri is a girl. She went to a shop and was surprised to see the different designs of the tiles on the floor. तो वो गई एक शॉप में, उसने क्या देखा, यहाँ पे तो भाई बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइन वाले टाइल्स मिल रहे हैं. She was very excited. Okay. So now, can you find the tile which is repeated to make each of these floor patterns? Now, can you find the tile which is repeated to make each of these floor patterns? After looking at the pattern, Ziri wanted to make her own yellow tile. You too make a tile this way. So, जब Ziri ने ये सब देखा, तो उसने सोचा कि भाई मैं क्यों नहीं बना लूँ अपनी खुद की tile. So, she decided to make her own yellow tile. And by this, you can also make a tile this way. Got it? So, अब हमें क्या करना है? हमें खुद की टाइल बनानी है. चलिए. तो step one is take a piece of a cardboard or thick paper. Draw a square of side 3 centimeters on it. Here we are taking 3 centimeters, but it's always up to you. Whichever centimeter, whichever number you want to take, you can take. ठीक है. तो स्टेप वन में क्या बोला है उन्होंने, एक हमें कोई भी कार्डबोर्ड या जो थिक पेपर होता है, मोटा पेपर होता है, उसका पीस लेना है, उसके ऊपर एक स्क्वायर बनाना है. यहाँ पे हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो है 3 सेंटीमीटर्स का. देन ड्रॉ अ ट्राइंगल. तो देखो अब यहाँ पे है ना, ये आपको दिख रहा है फर्स्ट स्टेप. तो ये कार्डबोर्ड का पेपर है, पीस है. ठीक है. तो जब ये पीस है ना, इसको हमने कितने का लिया है, 3 सेंटीमीटर्स का लिया हुआ है. ओके. नाउ ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑन एनी वन ऑफ द साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर. तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है आपको ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल बना दिया है एक इसकी साइड पे. सेम आपको भी फॉलो करना है प्रोसीजर को. देन स्टेप थ्री इज ड्रॉ अनदर ट्राइंगल ऑफ द सेम साइज ऑन द अनदर साइड ऑफ द स्क्वायर. तो अब हमने एक तो ये बना लिया था ट्राइंगल. ठीक है. अब हमें क्या करना है, दूसरी साइड पे भी सिमिलर एक ट्राइंगल और बना लेना है. ये पेपर नहीं है बच्चों, ये क्या है, इसी के ऊपर इस तरह से एक ट्राइंगल बना दिया है. ओके. सो डोंट बी कंफ्यूज. नाउ On the step fourth, cut the shape from the cardboard. Your tile is ready. तो यहाँ पे जो है ना, उन्होंने क्या किया, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे उसने एक ट्राइंगल बनाया था, रिमेम्बर. देन उसने क्या किया था, यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बनाया था. तो मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ. ये एक ट्राइंगल, ये एक स्क्वायर था. उसने क्या किया था, यहाँ पे एक ट्राइंगल काटा था और यहाँ पे इस तरह से काटा. ठीक है. तो जब हम इन पीसेस को काट देंगे तो हमारे पास क्या सिर्फ ये वाला शेप बचेगा ना, दिस वन. तो ये वाला जो फाइनल शेप हमारे पास आया, वो आया कुछ इस तरह से. ठीक है. सो ये एक पैटर्न हो गया. और अगर इसी तरह के बहुत सारे हम जो है पैटर्न्स को
इस तरह से कंजॉइन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की टाइल्स हो जाएंगी। अलग अलग टाइल्स हैं और इनसे देखिए आप कितना ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है। लेकिन अगर हम सपोज करें इस शेप में ना काटते हुए, ये एक स्क्वायर मैंने ले लिया है, ठीक है, हमने एक काटा यहाँ से और एक इस तरह से बना दिया, ठीक है, और हमको क्या करना है, इस वाले पीस को कट कर लेना है। तो ये वाला पैटर्न जो बनेगा ना, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखो लग रहा है ना सेम ये वाला इसके साथ में, है ना। और अगर इसको हम इसी तरह से कंजॉइन करते जाएंगे, आपस में जोड़ते जाएंगे, तो ये एक इस तरह का सुंदर सा पैटर्न क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपको भी अपने हिसाब से कोई भी एक सुंदर सा शेप बनाना है इसी तरह से, और ऐसे बहुत सारी अगर आप बना लेंगे तो आप भी एक फुल सेट ऑफ टाइल्स बना सकते हैं। सो हियर आई गेस दिस इज इट। तो हमें जितना भी आज हमने पढ़ा है, होप आपको समझ में आया होगा। सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।